press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने अपने शासनकाल के दौरान किसानों को कर्ज युक्त बनाने का कार्य किया था, जबकि केंद्र और राजस्थान की भाजपा सरकार किसानों को कर्ज मुक्त करने का काम कर रही है। पात्रा राजस्थान भाजपा की मीडिया कार्यशाला के मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर पात्रा ने कहा कि जो नेता 5,000 करोड़ के गबन के मामले में बेल पर हो, उनकी पार्टी के लोग 50,000 की कर्ज माफी को कम ही मानेंगे। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार में डूबी कांग्रेस पार्टी के नेताओं को 50,000 की किसानों की कर्ज माफी का महत्व समझ में नहीं आ रहा और इसका मजाक बना रहे हैं। पात्रा का कहना था कि केंद्र की मोदी सरकार किस तरह किसानों की आय 2022 तक दोगुनी हो इस पर कार्य कर रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी सिर्फ किसानों के मुद्दों को लेकर राजनीति कर रही है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने राजस्थान सरकार के बजट की तारीफ की। इससे पहले इस मीडिया कार्यशाला का भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा, प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी और प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। वहीं स्वागत भाषण में मीडिया विभाग के प्रमुख पिंकेश पोरवाल ने कार्यशाला के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। मीडिया विभाग के संपर्क प्रमुख आनंद शर्मा ने अतिथियों का स्वागत किया।